सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईदगाह में 5 लोगों ने ईद उल जुहा की नमाज अदा की। आज ईद उल जुहा का त्यौहार बड़ी ही सादगी के साथ धौलपुर में मनाया गया। कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईदगाह में धौलपुर शहर काजी मोहम्मद मतीन खां गोरोई ने 4 अन्य लोगों के साथ नमाज अदा की। नमाज अदा करने वालों में शहर काजी मोहम्मद मतीन खां गोरोई, जश्न ईद मिलादुन्नबी के सदर और इकरा माध्यमिक विद्यालय के निदेशक माजिद शरीफी, अरशद खान, दिलशाद खान, निजामुद्दीन पहलवान मौजूद रहे। इस मौके पर देश में अमन चैन की और दुनिया व हिंदुस्तान मुल्क से इस कोरोना महामारी के खात्मे के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कोरोना वॉरियर्स जो कि दिन रात इस महामारी के खात्मे के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए भी उनकी अच्छी सेहत और तरक्की के लिए दुआ की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने शहर काजी मोहम्मद मतीन खां गोरोई, माजिद शरीफी और ईदगाह में नमाज अदा करने वाले लोगों के साथ मिलकर ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा भाजपा नेता अशोक शर्मा ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। आज ईद उल जुहा बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और कोरोना महामारी जो कि पूरे हमारे मुल्क में और पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, उससे निजात के लिए दुआ करी गई और हिंदुस्तान के वजीर आजम, राजस्थान के वजीर आला के हक में भी दुआ करी गई कि वो इस घड़ी में जनता का साथ दें और वो लोग और ज़्यादा तरक्की करें, उनके लिए दुआ करी गई। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दुआ की गई कि और ज़्यादा तरक्की करें। आज जो त्यौहार है वो त्यौहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम यादगार की शक्ल में मनाया जाता है और ये सिलसिला कुर्बानी का सदियों से चला आ रहा है और ता कयामत तक चलता रहेगा। इस पुरखलूस मुबारक मौके पर मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को अपनी जानिब से ईद उल जुहा की मुबारकबाद देता हूं और हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे और जो दुश्मन है हिंदुस्तान है उनके नापाक इरादों को अल्लाह तबारक तआला नेस्त नाबूद करे। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं और हम हर कुर्बानी करने के लिए हिंदुस्तान के साथ हैं। शुक्रिया।